आइए जानते हैं सीताष्टमी पर किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक टोटका। दोस्तों, क्या आपकी पत्नी या आपके पति अक्सर आपसे बात बात पर रूठ जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ में, आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे का प्रवेश हो चुका है? क्या आपको लगता है कि आपके पति किसी सौतन के चक्कर में फंस गए हैं? क्या आपकी मैरिड लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर है? यदि हां, तो आज सीताष्टमी पर किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक टोटका आपके मैरिड लाइफ में फिर से ला सकता है ढेर सारी खुशियां, प्रेम, मोहब्बत, अपनापन। करना क्या है, आइए जल्दी से समझ लेते हैं। आज आपको अपने पूजा स्थल पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। 5 पीले रंग के कपड़ों के छोटे टुकड़े, पीले रंग का कपड़े हैं, उनके छोटे छोटे चौकोर टुकड़े करके एक चौकी के ऊपर स्थापित कर दीजिए, बाजोट पर स्थापित कीजिए। हर एक कपड़े के टुकड़े पर एक पीली कौड़ी, थोड़ा सा केसर, एक एक काली हल्दी का टुकड़ा रख दीजिए। पति पत्नी की एक सामूहिक तस्वीर भी रख दीजिए। एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। अपने प्यार को पाने की, अपने पति को सौतन से दूर करने की प्रार्थना कीजिएगा। अगले दिन 5 पीले कपड़े की गांठ, 5 जो हमने टुकड़े रखे थे उनमें जो सामग्री रखी थी उनको गांठ बांध लीजिएगा। अपने बेडरूम की उत्तर दिशा की दीवार पर लगा दीजिएगा। उत्तर दिशा की दीवार पर वो पोटलियों को लगा दीजिएगा। संभव हो तो चारों कोनों में एक एक पोटली बांध दीजिएगा और एक पोटली जो है वो अपने सिरहाने के नीचे, बिस्तर के नीचे रख लीजिएगा। तो आज के दिन इस महाटोटके से आपको मिल सकता है आपकी रूठी हुई पत्नी या रूठे हुए पति का भरपूर प्यार। यदि आपके पति किसी और औरत के चक्कर में फंस गए हैं तो इस महाचमत्कारिक टोटके से आपको आपकी सौतन से मुक्ति मिल सकती है, मिल सकता है अपने पति का ढेर सारा प्यार।